Good morning, students. Today our topic is Berzelius hypothesis and Avogadro hypothesis. In our previous lecture, we have studied the law of chemical combination and Dalton's atomic theory. In Berzelius tried to coordinate between the Gay-Lussac law of combining volumes and Dalton atomic theory. According to this hypothesis, equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of atoms. Berzelius ने क्या कहा कि सभी gases अगर equal volume में हैं और same condition है temperature pressure की तो सभी gases के अंदर equal number of atoms present होंगे. For example, hydrogen gas combined with chlorine gas, it will form hydrogen chloride gas. According to the Gay-Lussac law, Gay-Lussac law क्या था? One volume of hydrogen combined with one volume of chlorine gas, it will form two volume of hydrogen chloride gas. It should be a simple whole number ratio by volume. तो Gay-Lussac law volume पे depend था, तो उसने ये कहा था कि gases जब भी combine करेंगी, तो उनकी volume की ratio कैसी होगी, हमेशा simple whole number ratio होगी. Now, according to the Berzelius hypothesis, ये आपके पास Berzelius hypothesis ने क्या कहा था, अगर दो gases का same volume है, same condition है temperature, pressure की, तो उनके अंदर क्या present होगे, equal number of atoms. देखो, हाइड्रोजन वन वॉल्यूम है, क्लोरीन गैस वन वॉल्यूम है, दोनों का सेम वॉल्यूम है, तो उनके अंदर अगर हाइड्रोजन गैस के अंदर n एटम्स प्रेजेंट है तो क्लोरीन में भी कितने प्रेजेंट होंगे, n एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो n एटम्स हाइड्रोजन कंबाइन विद n एटम्स ऑफ क्लोरीन गैस टू फॉर्म 2n कंपाउंड एटम्स. ठीक है, नाउ अगर हम ये कहते हैं इक्वल वॉल्यूम के अंदर सेम एटम होते, अगर हम ये कहें कि अगर हाफ एटम प्रेजेंट है वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर, तो हाफ ही किसमें प्रेजेंट होंगे, वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस के अंदर, तो हाफ और हाफ एटम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वन कंपाउंड एटम. बट अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटम आर इंडिविजिबल. डाल्टन ने तो ये कहा था कि एटम कैसा होता है, इंडिविजिबल होता है, तो यहाँ पे आके इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया कि हाफ एटम इज नॉट पॉसिबल. तो उसके बाद क्या आई, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. इन दिस हाइपोथेसिस इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ पे एटम की जगह किसने ले ली, मॉलिक्यूल्स ने ली. कि एवोगैड्रो ने क्या कहा कि सेम वॉल्यूम पे कोई सभी गैसेस अगर सेम वॉल्यूम पे इक्वल वॉल्यूम पे प्रेजेंट है और सेम कंडीशन है उनके पास टेम्परेचर और प्रेशर की, तो उन गैसेस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. जैसे अब अगेन यही अगर सेम एग्जांपल लेते हैं, तो हाइड्रोजन कंबाइन विद क्लोरीन, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड. यस, नाउ इफ अकॉर्डिंग वन वॉल्यूम of hydrogen combined with one volume of chlorine, it will form two volume of hydrogen chloride. According to the Avogadro hypothesis, if n molecules combined with n molecules of hydrogen combined with n molecules of chlorine, it will form 2n molecules of hydrogen chloride gas. Avogadro hypothesis में यही तो कहा गया है, अगर same volume है दो gases, same volume से hydrogen का भी one volume है और chlorine का भी one volume है, और same condition है temperature और
प्रेशर की, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के अंदर भी कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, n और n मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इफ हाफ मॉलिक्यूल, सिमिलरली हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, इट विल फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ऐसे ही अगर आप n मॉलिक्यूल्स की बात करते हो, उसके बाद आप ये बात करते हो कि हाफ मॉलिक्यूल, तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ, तो क्या बनता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। तो हाफ मॉलिक्यूल इज पॉसिबल बिकॉज इट मे कंटेन वन और टू एटम्स। हाफ मॉलिक्यूल में हो सकता है एक या दो एटम प्रेजेंट हो, तो इट मीन्स इट इज पॉसिबल। देयरफॉर अब हम क्या पढ़ते हैं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। पेजलियस हाइपोथेसिस के बाद कौन से हाइपोथेसिस आती है हमारे पास, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, जो किस पे बेस है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे बेस है, जबकि पेजलियस हाइपोथेसिस बेस थी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स पे। यस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the number of times of atom of that element is heavier than the atom of carbon 12. Carbon 12 को एक standard मानते हुए atomic mass किसी भी element को हम कैसे define कर सकते हैं, कि किसी भी element के atom कितने ज़्यादा heavier होते हैं किससे, atom of carbon 12, means carbon के दो isotopes होते हैं, एक carbon 12 और एक carbon 14, तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड क्या लिया हुआ है, कार्बन 12। एंड दीज एटॉमिक मासेस आर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस, नॉट ए एक्चुअल एटॉमिक मास, एंड द एटॉमिक मासेस ऑन द एटॉमिक मास स्केल इज एक्सप्रेस इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास स्केल के ऊपर इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट की टर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। देयरफॉर वन एटॉमिक मास, वन AMU, वन AMU को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वन AMU मींस वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 by 12th of the mass of carbon 12 isotope, means 1 AMU is equal to carbon 12 के 1 by 12th of the mass of carbon 12 के equal होती है। Now, next is the relative atomic mass. Relative atomic mass of an element is equal, it is the ratio mass of the one atom of an element divided by 1 by 12th of the mass of the one atom of carbon 12. Next is the average atomic mass. Average atomic mass is A into M plus B into N divided by M plus N. यहाँ पे A और B क्या है? A and B are atomic masses of isotope and M and R ratio of isotope. जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक क्लोरीन 35 है फॉर एग्जाम्पल, हेयर टू आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन आर प्रेजेंट, मीन्स एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 इन 3:1। तो यहां पे
हमने इस ये जो फार्मूला है इसके अंदर ए और बी के एटॉमिक मासेस ऑफ द आइसोटोप, तो हमारे पास ये एक आइसोटोप है, इसका एटॉमिक मास है 35 और रेशियो कितनी है m, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, ये जो आइसोटोप है इसका एटॉमिक मास है 37 और इसकी रेशियो है 1, तो अब हम क्या निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, इज इक्वल टू ए इंटू एम मीन्स 35 इंटू 3 प्लस बी इंटू एन मीन्स 37 इंटू 1 डिवाइड बाई एम प्लस एन, ये एम प्लस एन मीन्स 3 प्लस 4, ये आएगा हमारे पास 105 प्लस 37 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 35.5 क्यूब। एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी भी दो या तीन आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे ए इंटू एम प्लस बी इंटू एन डिवाइड बाई एम प्लस एन। यहाँ पे ए और बी आर द एटॉमिक मासेस ऑफ द आइसोटोप्स एंड एम एंड एन आर द रेशियो ऑफ द आइसोटोप्स। इफ एटॉमिक मास इज मेजरिंग ग्राम, देयरफॉर एटॉमिक मास इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम में मेजर करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 U। अगर हम ये कहें कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा ऑक्सीजन का, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। अगर एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास होगा। नाउ नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर मास। इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जैसे हमारे पास H2SO4 है, इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सब के एटॉमिक मास को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। देन वी गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द H2SO4। देन मास एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। Then we calculate the molecular mass of the sulfuric acid H2SO4. Therefore, यहाँ पे 2 hydrogen है, एक hydrogen का 1 होता है atomic mass 2 का 2 into 1 plus एक sulfur है, sulfur का atomic mass होता है 32 plus एक oxygen का 16 होता है और यहाँ पे 4 oxygen है तो 16 into 4, तो यहाँ पे आप calculate करेंगे 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98 क्यूब। इफ मॉलिक्यूलर मास इज मेजर इन ग्राम देयरफॉर इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नाउ सम प्रॉब्लम्स फॉर कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास, यू विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यू विल कैलकुलेट द molecular mass of hydrogen chloride, calculate the molecular mass of nitric acid, atomic mass of calcium is 40, chlorine is 35.5 and nitrogen is 40. तो आप
मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनकी सबके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास। तो आप इन सबका और भी और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, तो आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो।